वेलकम टाइम एंड वर्क। इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज का जो सेशन है ये एसएससी सीजीएल टायर 2 सीबीई एग्जाम जो कि जनवरी 2017 में संपन्न हुआ था उसका ही आया हुआ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। एग्जाम के क्वेश्चंस बहुत खूबसूरत होते हैं, उनके डेटा एक दूसरे के लिए बने होते हैं, इसलिए हमेशा ही उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी कैन डू 1/4 ऑफ ए वर्क इन 10 डेज, क्यू कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 40 डेज एंड आर कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज। हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट? सबसे पहले कौन करेगा? जिसको सबसे कम समय लगेगा। तो पूरे वर्क को कौन कितने दिनों में करता है? सेम वर्क को, सेम टाइम, सेम वर्क को। पूरा वर्क ले सकते हैं, हाफ वर्क ले सकते हैं, पूरा वर्क ही क्यों न लें। पूरे वर्क को ए कितने दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है, सी कितने दिन में कर सकता है, देखते हैं। लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन कि पी कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क इन 10 डेज। पी जो है वो 1/4 वर्क को 10 डेज में करता है। पूरे वर्क को कितने दिन में करेगा? 40 डेज। हाँ तो पी भाई पूरे काम को 40 डेज में कर सकता है। बी को बुलाइए, क्यू को बुलाइए, क्यू 40% वर्क को 40 डेज में कर सकता है, 40% वर्क को 40 डेज में कर सकता है। तो 100% वर्क माने पूरा वर्क को 100 डेज में करेगा, करेगा कि नहीं, करेगा कि नहीं? 40% को 40 डेज, 60% को 60 डेज, 100% को 100 डेज। और आर को बुलाइए, आर वो 1/3 ऑफ द वर्क, 1/3 ऑफ द वर्क को कर सकता है 40 डेज में, 13 डेज में, 1/3 ऑफ द वर्क को 13 डेज में। तो ये पूरे वर्क को कितने दिनों में करेगा? 39 डेज। सबसे कम समय में काम को कौन करता है? आर। सो आर इज द आंसर। पी कर सकता है 40 डेज में, क्यू कर सकता है पूरे वर्क को 100 डेज में, और आर कर सकता है पूरे वर्क को 39 डेज में। तो सबसे पहले इस काम को कौन करेगा? आर करेगा। आर बोलिए, ये समझे कि नहीं? मैंने ये लिखना शुरू किया है ताकि बोर्ड पर आपको नजर आए और जो फर्स्ट वीडियो के रूप में देख रहे हो उनको भी समझ में आए। अदरवाइज करने के लिए तो कुछ था नहीं, ये तो दिखाई देता है 40 डेज, 100 डेज एंड 39 डेज। हु विल डू फर्स्ट? लेकिन जो भी करना है आखिर कर कैसे रहे हैं, इसलिए इसको दिखाना जरूरी है। तो ये समझ गए। इसके बाद आइए सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है वर्किंग 7 आवर्स इन ए डे, 4 मेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। वर्किंग 8 आवर्स इन ए डे, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेन टू परफॉर्म द सेम वर्क इन 4 डेज विल बी। देखिए क्वेश्चन क्या है, तरह तरह से बना सकते हैं। एक तो एकदम सीधा बना सकते हैं, दो तीन तरीके से मैं बात करता हूं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक दिन में 1 टॉयज बनाता है, 1 घंटे में बनाता है, वर्किंग 7 आवर्स इन ए डे, एक दिन में 7 घंटे काम करता है, 7 आवर्स नहीं, एक दिन में 1 घंटे में, 1 डे में, 1 आवर में 1 पर्सन 1 टॉय बनाता है। तो 7 आवर्स में 7 टॉयज बनेगा ना? फर्स्ट मेथड।
फर्स्ट मेथड बनेगा कि नहीं बोलिए। फिर से लिखता हूं, फर्स्ट मेथड 7 times, 1 hour, 7 hours में 4 men into 4 और 8 days में into 8, कुल इतने टॉयस बनेंगे कि नहीं। मान लिया ये पूरा वर्क है हमारा जो 8 days में 4 men के द्वारा 7 hours में बनाया जाता है। अगर 8 hours पर डे काम करें तो 8 into 4 days में into 4, हाउ मेनी मेन, दिस इज द नंबर ऑफ मेन, ये टोटल वर्क। और एक आदमी इतना काम, इतना टॉय बनाता है एक व्यक्ति, तो इतना टॉय बनाया कितना व्यक्ति, हाउ मेनी मेन, 7 men आंसर। ये फर्स्ट सी इज द आंसर, ये फर्स्ट मेथड हुआ। सेकंड मेथड, सेकेंड मेथड फॉर्मूला M1 D1 और H1 इक्वल्स M2 D2 H2। M1 4 men, D1 8 days, H1 7 hours a day, M2 working 8 hours a day, 8 hours a day, 8 hours a day. Required number of men M. In 4 days, okay. है ना बोली? 4, 4, 8, 8. यानी M is equal to 7. Answer. Third method. यही बना देता हूँ. Third method. अगर आपने मेरा शुरू का वीडियो देखा होगा तो मैंने कहा था आंख मूंद के बनाइए M D H। देखिए फर्स्ट में क्या था, 7 hours in a day, 4 men 8 days, तो बताइए 4 days, तो बताइए 8 hours per day, हाउ मेनी मेन। मैंने कहा था आंख मूंद के काट दीजिए। आंसर जो आया आंसर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 7 men आंसर। ये आप शुरू के वीडियो को देख लेंगे तो समझ में आएगा ये मेथड क्या था। ठीक है, तो ये 3 methods से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर क्या हुआ, 7 men। सेकंड, इसके बाद आइए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 35 persons आर engaged टू कंप्लीट अ वर्क इन 60 days, आफ्टर 32 days इट इज ऑब्जर्व दैट ओनली 2/5 ऑफ द वर्क हैज बीन डन, द नंबर ऑफ persons टू बी engaged मोर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन द सेट पीरियड इज। बताता हूं, देखिए ये थर्ड नंबर क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन को पहले समझिए। 35% किसी काम को 60 डेज में करते हैं ये नहीं लिखा हुआ है। ए वर्क हैज टू बी डन इन 60 डेज, काम को 60 डेज में होना है। 35 मेन ने वर्क स्टार्ट किया, पर्सन है मेन बोल देता हूं। जब 32 डेज गुजरे थे, 32 डेज गुजरे थे यानी कि 28 डेज बाकी थे अगर इस काम को सही समय पर होना है। 32 डेज के बाद देखा गया कि शायद काम पूरा नहीं होगा, तो और वर्कर को बुलाया गया और उन लोगों ने मिलकर के 28 डेज में वर्क को कंप्लीट किया, तो आखिर कितने लोगों को बुलाया गया था ये सवाल है। लेकिन 32 डेज में 2/5 वर्क संपन्न हुआ ये लिखा हुआ है, यानी कि 3/5 वर्क बाकी है ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यानी 35 मेन ने 32 डेज में 2/5 वर्क किया,
बताइए कि कितना व्यक्ति 3/5 वर्क को 28 डेज में करेगा, और जितना करेगा उसमें 35 को हटा देंगे, उतने को लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट मेथड, जो हमारा यूजुअल मेथड है वो क्या है, सुनिए, जिसमें मैं कहता हूं आंख मूंद के बनाइए। फॉर्मूला वाला मेथड को मैं छोड़ देता हूं, उसको छोड़ के टू मेथड्स, तो मैन डेज वर्क। जरा देखिए, 35 मैन 32 डेज में 2/5 वर्क करते हैं, तो बताइए कि कितने मैन 28 डेज में 3/5 वर्क करेंगे। यही सवाल है। इसमें आंख मूंद के बनाने का तरीका, मैंने ये कहा था कि वर्क शुड ऑलवेज बी चेंज्ड, वर्क को हमेशा बदल देना है, तो वर्क को बदल दीजिए। तो ये समझ गए, अब वर्क को बदल दीजिए, तो वर्क को बदल देंगे तो क्या होगा, 3/5 उधर चला जाएगा, 2/5 इधर आ जाएगा, और कैंसिल कर दीजिए जो आया आंसर। ये एक मेथड है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था, बताया था, वो शुरुआती है, मैं देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए 60 मेन निकला, और पहले से हमारे पास 35 मेन थे, यानी कि 25 मेन और लाए जाने चाहिए, 25 में डी इज द आंसर। ठीक है, ये समझ में आया। अब मैं बोलता हूं कि इसको दूसरे तरीके से बनाता हूं, फ्रैक्शनल मेथड। दरअसल मैंने मेथड्स का नाम दिया है, एक मेथड को फॉर्मूला मेथड कहा है M1D1H1, दूसरे को आंख मूंद के बनाना कहा है, जो भी बनाया, और तीसरे को आंख खोल के बनाना कहा है, That is fractional method also. Fractional method क्या कहता है, क्या निकालना है, how many main? पूछा है ना, how many main? तो पहले कितना main है? देखिए तो 35 main लिखिए, 35 main लिख दीजिए। अब एक एक करके लेते जाते हैं, 35 main की जरूरत हो, 35 main है, कितने main चाहिए, person, main मतलब यहां person है, 35 persons, जो भी बोलिए। तो 32 डेज के लिए मैं काम करने के लिए इतने व्यक्ति चाहिए, 28 डेज में ही काम करना रहे, किसी काम को कम समय में काम करना हो तो ज्यादा व्यक्ति चाहिए कि कम, तो वर्क वही रहे और टाइम घट जाए तो ज्यादा चाहिए कि नहीं, ज्यादा का मतलब 32/28, कम अगर होता तो 28/32, और ये 2/5 वर्क को काम करने के लिए इतने व्यक्ति चाहिए, 3/5 ज्यादा को काम करने के लिए ज्यादा चाहिए, कम ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा का मतलब 3/2, कम का मतलब 2/3। ये फ्रैक्शनल मेथड है जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने डिटेल में किया है टाइम एंड वर्क के शुरुआती चैप्टर में, उसको आप देखिएगा। देखिए यानी कि 60 मेन ही मतलब यहां पर्सन है, और इसमें हमारे पास पहले से 35 मेन मौजूद है, यानी कि 25 में और बुलाए जाने चाहिए, तभी काम सही समय पर खत्म होगा। बोलिए, ये समझ में आया ही नहीं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, द टाइम टेकन बाय 4 मेन टू कंप्लीट अ जॉब इज डबल द टाइम टेकन बाय 5 चिल्ड्रन टू कंप्लीट द सेम जॉब, ईच मैन इज ट्वाइस as fast as a woman, how long will 12 men, 10 children and 8 women take to complete a job given that a child would finish the job in 20 days? In general, देख करके थोड़ा सा लगता है कि 4 men को double time लगता है 5 children की तुलना में, तो पता नहीं job का nature ऐसा होगा जिसमें children ज्यादा efficient होंगे, ज्यादा तेजी से करते होंगे, कंप्यूटर वर्क होगा, जो भी हो, क्वेश्चन तो यही कहता है कि 4 मेन को डबल टाइम लगता है
तो 4 मेन डबल हो जाए तो बराबर टाइम लगेगा ना, यानी 8 मेन इक्वल्स 5 चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन में तो बॉयज गर्ल्स दोनों आए, थोड़ा एक्सप्रेस करने के ख्याल से बॉयज बोल देते हैं तो बी बोल देते हैं, ठीक है। तो 8 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 मेन इज इक्वल टू 5 चिल्ड्रन या बॉयज बी हमने लिखा, ठीक है, ये दिया हुआ है। ईच मैन इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए विमेन, एज ए विमेन, तो मैन जो है एक मैन विमेन का डबल फास्ट है, तो दो ठो विमेन आ जाएंगे तो बराबर हो जाएंगे ना, वन मैन इज इक्वल टू टू विमेन, वन मैन इज इक्वल टू टू विमेन, ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कहता है कि हाउ लॉन्ग विल 12 मैन 10 चिल्ड्रन एंड 8 विमेन टेक टू कंप्लीट अ जॉब, उस काम को ये ग्रुप कितने दिनों में करेगा, ये ग्रुप कौन है, ग्रुप है 12 मैन का, उसके बाद 10 बॉयज का, चिल्ड्रन है बॉयज बोल रहे हैं बी बोल रहे हैं, और 8 विमेन का, इन्हें ही काम करना है, ये कितने दिनों में करेगा, जबकि जबकि एक बॉय 20 डेज में वर्क कर सकता है। तो ऐसे भी हम लोग स्मॉलर क्वांटिटी में चेंज करते हैं, और यहां तो स्मॉलर पूछा ही है, बॉयज के बारे में पूछा ही है कि वन बॉय 20 डेज में कर सकता है, तो कर सकता है, तो बताइए ये ग्रुप कितने दिनों में करेगा, तो दिया है बॉय के बारे में, पूरे के पूरे स्ट्रेंथ को हम बॉयज बनाते हैं, चिल्ड्रन बनाते हैं, कहने का मतलब स्मॉलर क्वांटिटी बनाते हैं। तो इधर आइए, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 8 मैन इज इक्वल टू 5 बॉय तो 1 मैन इज इक्वल टू, ऐसे करें कोई जरूरी नहीं है, अरे हमें 12 मैन का वैल्यू चाहिए, 8 मैन मतलब इतना, तो 4 मैन हाफ कर देंगे तो ऐड कर देंगे, इसका हाफ 4 ऐड कर देंगे 12, इसका हाफ ढाई ऐड कर देंगे तो क्या 7.5 बॉयज नहीं हो जाएगा, ऐसे करता है ना, और 10 बॉयज को रहने देते हैं 8 विमेन, अरे 1 मैन की जगह पर 2 विमेन होता है तो 8 मैन के जगह पर 16 विमेन होगा, 16 विमेन 5 बॉयज के बराबर हैं, तो 8 विमेन कितने के बराबर हुए, बोलिए 16 विमेन होगा ना, यहां पर 1 मैन इज इक्वल टू 2 विमेन, 16 विमेन 5 बॉयज के बराबर हैं, तो 8 विमेन कितने के बराबर होंगे, 8 विमेन 2.5 बॉयज के बराबर होंगे, लिख दीजिए 2.5 बॉयज, कुल मिलाकर के देखिए 20 बॉयज उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा है, फिनिश्ड। दिया हुआ है कि वन बॉय जो है गिवन वन बॉय मतलब चिल्ड्रन कैन डू ए वर्क इन 20 डेज, तुम्हें पता है कि 20 बॉयज अगर होंगे तो वन डे, आंसर वन डे, टी इज द आंसर, वन बॉय 20 डेज, 20 बॉयज आ जाए तो वन डे, कुछ नहीं करना था, आंसर, यानी कि दिस इज द आंसर, बोलिए समझ में आया है नहीं, ठीक है, इसमें हमारा ये अप्रोच रहा, ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, 4th है, ठीक, ये 4th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए 5th नंबर क्वेश्चन पर, 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, द लेबरर्स ए बी एंड सी वेर गिवन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रुपीज 750 फॉर डूइंग ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क, ऑल द थ्री टूगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 8 डेज, ए एंड सी टूगेदर कैन डू इट इन 12 डेज, वाइल ए एंड बी टूगेदर कैन डू इट इन 13 इन 1/3 डेज, द मनी विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो, व्हाट 750 अमाउंट हैज नो यूज, ए बी सी तीनों मिलकर के वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिनमें जो कॉन्ट्रैक्ट 750 रुपीज का है, लेकिन वो 750 रुपीज किस रेशियो में डिवाइड होगा, दिया हुआ है ये इतना काम करते हैं, वो इतना काम करते हैं, जो जितना काम करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, कोई डबल वर्क करेगा डबल पैसा मिलेगा, वर्क के रेशियो में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो क्या फर्क पड़ता है, 750 का तो कोई यूज ही नहीं है,
तो कौन कितना वर्क करता है समान समय में, 100 डेज में ए कितना किया, बी कितना किया, सी कितना किया, 1 वीक में ए कितना किया, बी कितना किया, सी कितना किया, 1 डे में ए कितना किया, बी कितना किया, सी कितना किया, 1 डे, 1 आवर में, 1 आवर में जो डबल वर्क करेगा, 1 डे में डबल नहीं करेगा, 10 डेज में डबल नहीं करेगा, 100 डेज में डबल नहीं करेगा, वो पर वीक डबल नहीं करेगा, क्या फर्क पड़ता है। जो डबल एफिशिएंट होगा, डबल वर्क करेगा समान समय में, चाहे वो समय कुछ भी हो। क्यों नहीं हमें वन, हम इसे 1 डे बना दें कि एक दिन में आप कितना काम करते हैं। एक तो आप डेज बना सकते हैं, तो डेज में जब काम करेंगे तो इनवर्स होगा, कोई 2 डेज में करे, कोई 4 डेज में करे, तो 4 डेज वाले को ज्यादा थोड़ी मिलेगा, उसको तो कम मिलेगा क्योंकि समान समय तक काम किए। सबसे अच्छा है वर्क के रेशियो में निकालिए कि कौन कितना काम कर सकता है गिवन टाइम में, वर्क के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब कैसे करें, ऑल द 3 टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 8 डेज। देखिए तीनों मिलकर के 8 डेज में कर सकते हैं। देखिए मैं लिखता हूं ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर के 8 डेज में वर्क कर सकते हैं। मैं लिखता हूं, ये दिया हुआ है, ए और सी जो है वो कर सकता है 12 डेज में, मतलब 12 डेज पर वर्क। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखता इसलिए हूं ताकि ठीक से आप देखिए तो समझ में आए, अदरवाइज ये तो लिखा, मैं तो 8, 12 ये लिखूंगा, जरूरत भी नहीं हो ऐसे हो जाए। ए एंड बी ये कर सकते हैं 13 and 1/3 days, 13 and 1/3 days। यह इंफॉर्मेशन है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां लिखने से साफ साफ आपको पता चलता है, इसलिए मैंने लिखा। करना यह है कि वर्क के रेशियो में डिफाइन करने के लिए हम इनका मतलब यूनिट ऑफ वर्क वाले मेथड से बनाते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम लेंगे तो यह है 8, यह है 12 और यह है 40/3। एलसीएम जब लेंगे, इनका जब एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम होता है एससीएफ होता है, नीचे तो ये 1:1 है, जरूरत नहीं है, और इसका एलसीएम कोई जरूरी नहीं, एलसीएम का प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, तो हमको दिखाई देता है 40 × 3 = 120, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 240 मान ले, हाँ थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। जैसे एलसीएम क्यों लेते हैं, मैंने तो पहले ही कहा आप 240 ले लीजिए। डेटा एक दूसरे के लिए बने होते हैं, उनके अनुसार आप डेटा लेंगे तो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए लेते हैं 120। ऐसे माना लेट वर्क हमने मान लिया कि 120 यूनिट्स है, मतलब 120 खिलौना बनाना है लाइक दैट। अब तो हो गया, ABC तीनों से बोलते हैं इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो उसका कहना है 8 डेज में पूरा वर्क कर देंगे, 8 डेज में 120 यूनिट वर्क बना देंगे, तो 1 डे में कितना बनाएंगे, 15, दैट मीन्स 15 यूनिट्स पर डे होगा कि नहीं। ए और सी से पूछिए तो ये 12 डेज में पूरा काम कर देंगे, अरे पूरा काम 120 टॉयज बनाना है, 12 डेज में बना था, एक दिन में बताइए, ओके 10 यूनिट्स पर डे। और ए और बी से पूछिए तो आप कितने दिन में करेंगे, तो ये 40/3, 40 से डिवाइड कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 3 = 9 होगा ना, ऐसे 120 को 40/3 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 होगा कि नहीं, 9, तो ये 9 यूनिट्स पर डे, खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया। A is to B is to C, सुनिए A और C है ना, और ये A plus B है, A and B, ओके इधर आइए, A plus C लेते हैं, A और C दोनों मिलके एक दिन काम करने बोले तो तीनों मिलकर के 15 टॉयज, A एंड C 10 टॉयज, तो B कितना निकला, 5 टॉयज,
ए और बी मिलकर के 9 टॉयज बनाते हैं वन डे में, और तीनों मिलकर 15 बनाते हैं, तो बाकी कितना बचा 6 जो कि सी बनाते हैं। तीनों मिलकर करके अगर 15 बनाएंगे, ए और बी का 9 है तो बाकी सी का हुआ कि नहीं 6। ए और सी मिलकर के 10 बनाएंगे, तीनों मिलकर 15 बनाएंगे तो बाकी जो बी बचा उसका उसका 5 हुआ कि नहीं। और ये दोनों मिलके 6 और 5 11 बनाएंगे वन डे में, और तीनों मिलके 15 बनाएंगे तो 11 प्लस 4 होता कि नहीं 15। आंसर, एक दिन में समान समय में ए और बी और सी के वर्क का रेशियो 4:5:6 है, 4:5:6 है। दिस इज द आंसर। बोलिए ये समझ में आया है नहीं? ठीक है, इसके बाद आ जाइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर, असल में वो जो एग्जाम हुआ था उसमें ये टाइम एंड वर्क के 6 क्वेश्चन आए थे। कुल 100 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के आए थे, उन सभी 6 को मैं सॉल्व कर रहा हूं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। They walk together for 5 days and then A alone finish the rest of the work in 14 days. A alone can complete the work in how many days? Rest को ना उतने में किया? कुछ नहीं है। अगर आपको बनाना हो, अगर सिर्फ आंसर लिखना हो, टिक लगाना हो, तो आप बोलेंगे दोनों मिलकर के 12 डेज में कर सकते हैं। 5 डेज तक तो आपने काम किया ही था, तो 7 डेज का वर्क बाकी था, 7 डेज का वर्क बाकी था, तो 7 डेज में आप बाकी काम कर सकते थे। लेकिन ए ने तो ए उन्होंने 5 डेज किया और तब ए अकेले वर्क करता है, यानी बी ने काम छोड़ दिया, तो ए अकेले वर्क करता है रेस्ट ऑफ द वर्क इन 14 डेज। इसका मतलब क्या है कि बाकी काम जो बचा था वो 7, सोचिए पहले पूरा वर्क तो 12 डेज का था और 5 डेज में 5/12 वर्क हुआ है, तो रेस्ट वर्क 7/12 है। 7/12 वर्क को ए अकेले करता है 14 डेज में, तो पूरे वर्क को करेगा 12/7 डेज में, 24 डेज। आंसर ए नंबर। दरअसल हुआ क्या, हुआ क्या समझिए, ए ए ए प्लस बी वर्क कर सकते हैं पूरे वर्क को 12 डेज में, ये दिया है। लेकिन ए प्लस बी वर्क करते हैं वास्तव में 5 डेज, यानी यहां तक। तो इसका मतलब है कि 5/12 वर्क हुआ है और 7/12 वर्क बाकी है। इस वर्क को ए अकेला समाप्त करता है 14 डेज में, तो 14 डेज में ए इस वर्क को करता है 7/12 को, पूरे को कितने में करेगा? 12/7। बोलिए ये समझ में आया है नहीं? मेरे ख्याल से आ गया होगा आपको, 24 डेज आंसर है। ठीक है, बोलिए टाइम एंड वर्क कैसा लगा? मैंने ये सिलसिला शुरू किया है और लगभग रोज बारी बारी से हर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को संभव होगा तो चैप्टर वाइज अलग अलग करके मैं आपके सामने रखूंगा, सॉल्व करूंगा। आप आगे बढ़िए और जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम होगा स्पेशली उसमें आपको पास होना है। लेकिन आप जानते हैं जैसे क्वेश्चंस आपको बैंकिंग वाले के लिए जो होता है उसको मैं बोलता हूँ आप उसे भी बनाएं, वैसे ही बैंकिंग वाले स्टूडेंट को मैं कहूँगा आप भी बनाएं। क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही क्वेश्चंस बैंक में भी आते हैं और एसएससी में भी आते हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस मैंने एग्जाम में जो आए हुए हैं उन्हें मेमोरी बेस्ट लिया है, और आप जानते हैं कि एग्जाम का जो डेटा होता है वो एक दूसरे के लिए बना होता है, प्रैक्टिस पेपर टाइप का नहीं होता। Okay, all the best.